वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डोमेस्टिक पैसेंजरों की इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर जो लेटेस्ट कोविड रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात करेंगे। 25 तारीख को यूनियन होम मिनिस्ट्री ने एक जनरल एडवाइजरी जारी किया है इंटरस्टेट मूवमेंट के रिगार्डिंग, वो देखेंगे। और ऐसे 10 स्टेटों की बात करेंगे जो इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर काफ़ी सख्ती अभी भी बरकरार रखे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनियन होम मिनिस्ट्री के जनरल एडवाइजरी के मुताबिक सभी डोमेस्टिक पैसेंजर जो फुल्ली वैक्सीनेटेड है और एसिम्प्टोमेटिक है उन्हें इंटरस्टेट मूवमेंट के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट दी गई है, लेकिन पैसेंजर अगर सिम्प्टोमेटिक है तो उन्हें ज़रूरत पड़ने पर एंटीजन टेस्ट से गुजरना पड़ सकता है। इस नई एडवाइजरी के मुताबिक सभी स्टेटों के ऊपर ये पावर दिया गया है कि वो चाहे तो अपने ज़रूरत के हिसाब से एडिशनल रेस्ट्रिक्शन को अपने स्टेट में ऐड कर सकते हैं। और अभी हम लोग ऐसे 10 स्टेटों की बात करेंगे जो एक्स्ट्रा एडिशनल रेस्ट्रिक्शन अपने स्टेट में ऐड किए हैं और इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर अभी भी काफ़ी रोक टोक बरकरार रखे हैं। इंटरस्टेट मूवमेंट के ऊपर एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड करने वाले सबसे पहला स्टेट है सिक्किम। सिक्किम के लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर चलिए बात करते हैं। दूसरे स्टेट से सिक्किम में एंटर होने के लिए आपको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। चाहे आप वैक्सीनेटेड हो या ना हो, डोमेस्टिक पैसेंजर हो या इंटरनेशनल पैसेंजर हो, दूसरे स्टेट से आपको सिक्किम में एंटर होने के लिए 72 आवर्स के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पड़ेंगे, तभी आप सिक्किम में एंटर हो सकेंगे। अभी तमिलनाडु में आने वाले पैसेंजरों के लिए जो लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस है उसके बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पौंडीचेरी से आने वाले पैसेंजरों को तमिलनाडु में एंटर होने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखा के एंटर होना होगा। दूसरे स्टेटों से आने वाले पैसेंजरों को तमिलनाडु में एंटर होने के लिए नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी और कर्नाटक के पैसेंजरों के लिए लागू है। अभी कर्नाटक के लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। कर्नाटक में महाराष्ट्र और केरला से आने वाले पैसेंजरों को कर्नाटक में एंटर होने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के ही कर्नाटक में एंटर होना होगा। दूसरे स्टेटों से आने वाले पैसेंजरों को कर्नाटक में एंटर होने के लिए कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र और केरला से आने वाले पैसेंजर जिन्हें कर्नाटक में आरटीपीसीआर टेस्ट से छूट मिलेंगे वो है मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए पैसेंजर, चिल्ड्रंस बिलो 2 इयर्स, कोई भी डेयर इमरजेंसी सिचुएशन में फंसे पैसेंजर, मेडिकल ट्रीटमेंट से रिलेटेड पैसेंजर जो कर्नाटक में जाएंगे, या जो लोग कर्नाटक में जा रहे हैं 2 दिन के दौरान वापस आएंगे और बैक की टिकट है, इन लोगों को आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने से छूट दिया जाएगा कर्नाटक में। अभी गोवा की लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। दूसरे स्टेट से गोवा में एंटर होने के लिए आपको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। गोवा में दूसरे स्टेट से एंटर होने के लिए आपको 48 आवर्स के अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने होंगे। अगर आपके पास 48 आवर्स के अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं तो आपको 2000 रुपये देने पड़ेंगे आरटीपीसीआर टेस्ट कराने के लिए, और तब तक आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा जब तक आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं। अभी जम्मू कश्मीर के लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की ट्रैवल गाइडलाइंस भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। दूसरे स्टेट से जम्मू कश्मीर में एंटर होने के लिए आपको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। दूसरे स्टेट से जम्मू कश्मीर में आपको एंटर होने के लिए कोई भी ICMR अप्रूव लैब से 72 आवर्स के अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखा के ही जम्मू कश्मीर में आपको एंटर होने दिया जाएगा। अगर आपके पास नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको जम्मू या कश्मीर एयरपोर्ट में रोक दिया जाएगा और आपको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। जब तक आपकी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आ जाएंगे तब तक आपको आइसोलेशन में रखा जाएगा। अब चलिए बात करते हैं त्रिपुरा के लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के ऊपर। दूसरे स्टेट से त्रिपुरा में एंटर होने के लिए आपको मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। दूसरे स्टेट से त्रिपुरा में एंटर होने के लिए आपको ICMR अप्रूव लैब से 48 आवर्स के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना पड़ेगा, तभी आपको त्रिपुरा में एंटर होने दिया जाएगा।
त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट में आरटीपीसीआर टेस्ट की चेकिंग हो रही है, तो जो भी पैसेंजर त्रिपुरा के अगरतला एयरपोर्ट से होके जाएंगे उनके पास अगर आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं होते हैं तो उनको गवर्नमेंट के तरफ से आरटीपीसीआर टेस्ट की अरेंज कर दिया जाएगा और तब तक उन्हें वेट करना होगा अगरतला एयरपोर्ट में जब तक आपकी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आ जाते हैं। अब चलिए लद्दाख के लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। लद्दाख में एंटर होने के लिए आपको आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पड़ेंगे और ये रिपोर्ट 96 आवर्स के अंदर की वैलिड होंगे लद्दाख में। जो लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड है और वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज कंप्लीट होके 15 दिन बीत चुके हैं, वो लोग अगर लद्दाख में जाते हैं तो उन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, वो वैक्सीनेशन की सर्टिफिकेट दिखा के ही लद्दाख में एंटर कर सकते हैं। मतलब अगर आपने वैक्सीनेशन की सेकेंड डोज 1 तारीख को लगाया है तो आप 15 तारीख के बाद अगर लद्दाख में जाते हैं तो आपको कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे पहले अगर आप जाते हैं 15 दिन के अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। अभी मध्य प्रदेश के ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश ने भी अपने स्टेट की ट्रैवल गाइडलाइंस में एडिशनल रेस्ट्रिक्शन ऐड किया है महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजरों के लिए। महाराष्ट्र से आने वाले पैसेंजरों को मध्य प्रदेश में एंटर करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरने पड़ेंगे। 72 आवर्स के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखा के ही महाराष्ट्र के पैसेंजर मध्य प्रदेश में एंटर कर सकते हैं। दूसरे स्टेट से आने वाले पैसेंजरों को मध्य प्रदेश में एंटर करने के लिए कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए अंडमान के ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। दूसरे स्टेट से अंडमान में आपको एंटर होने के लिए मैंडेटरी आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरने पड़ेंगे। आपको 48 आवर्स के अंदर की नेगेटिव आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट अंडमान एयरपोर्ट में दिखाने होंगे, तभी आप अंडमान में एंटर हो सकेंगे। अब चलिए मणिपुर की लेटेस्ट ट्रैवल गाइडलाइंस के बारे में बात करते हैं। मणिपुर ने भी अपने स्टेट में ट्रैवल गाइडलाइंस में एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन को ऐड किया है, जिसके वजह से मणिपुर के ट्रैवल गाइडलाइंस में काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। दूसरे स्टेट से पैसेंजर को मणिपुर में एंटर करने के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। दूसरे स्टेटों के पैसेंजरों को मणिपुर में एंटर होने के लिए 48 आवर्स के अंदर की आरटीपीसीआर टेस्ट के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाने पड़ेंगे, तभी पैसेंजर मणिपुर में एंटर हो सकेंगे। 5 साल के नीचे के बच्चे को कोई भी आरटीपीसीआर टेस्ट की ज़रूरत नहीं है मणिपुर में। ये थे इंडिया के ऐसे 10 स्टेट जिन्होंने ट्रैवल गाइडलाइंस में एडिशनल रूल्स एंड रेगुलेशन ऐड किया है, जिसके वजह से इन स्टेटों की ट्रैवल गाइडलाइंस सबसे स्ट्रिक्ट और कॉम्प्लिकेटेड है। बाकी स्टेटों की ट्रैवल गाइडलाइंस मोर ओवर सेम ही है और मैक्सिमम स्टेटों में अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड है तो आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है।